सर, कश्मीर के अंदर आए दिन इस तरीके की घटना हो रही है, तो इसका क्या हल निकलेगा और ये कब तक हल इसका निकलेगा? देखिए, कश्मीर का मसला जहाँ तक ताल्लुक है, दिस इज अ पॉलिटिकल इशू, दिस इज टू बी एड्रेस्ड पॉलिटिकली। तो जो इस वक्त की हुकूमत है बीजेपी की, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है विज़ाविज कश्मीर। ये इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करते हैं, जिससे फर्दर और खराबी होती गई हालात में, और हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि अब आपके कॉलेज स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल दोनों रास्ते में आए हैं, सड़कों पे आए हैं और धरना देते हैं। दैट इज़ बिकॉज द बैड पॉलिसी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। इसमें कोई हर्ज नहीं है, यू टॉक टू एवरीबडी, यू टॉक टू स्टेक होल्डर्स इनके पास है, यू टॉक टू स्टूडेंट लीडर्स, टॉक टू यू, दे आर और वो हमारे बच्चे हैं, वो इस मुल्क के रहने वाले हैं, वो इस मुल्क का हिस्सा है, तो उनको बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। तो लेट देम स्टार्ट टॉकिंग टू देम, और नेचुरली विल एवरीबॉडी विल ट्राई टू। इस हालात इस तरह से पहुँचे हैं इस वक्त, मेन स्ट्रीम पार्टीज के लिए भी मुश्किल हो गया है इस वक्त टू स्टार्ट देयर एक्टिविटीज, पोलिटिकल एक्टिविटीज। मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी का जब प्रोग्राम हुआ था कि जब नोटबंदी अगर बंद हो जाएगी तो उन पर नोट पहुँचना बंद हो जाएगा, ये इस तरीके के जो क्रिमिनल मामले बंद हो जाएंगे, लेकिन ये हाँ मोदी जी बहुत कुछ कहते हैं, तो वो अब आपने देखा क्या हुआ। वो कहते थे जी मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, मोदी जी अपने एड्रेस कर रहे हैं ओनली फॉर टेकिंग वोट्स, उनका यही मकसद है और कुछ मकसद है नहीं। मोदी जी ने बहुत कुछ कहा किया नहीं कुछ, इनको कहिए एजेंडा ऑफ अलायंस जो बनाया, जिसमें मोदी जी के, अमित शाह के, मुफ्ती मोहम्मद सईद के, महबूबा जी के दस्तखत हैं, कहाँ एजेंडा ऑफ अलायंस? दैट इज जस्ट ए पेपर पीस, पीस ऑफ पेपर, कोई एक मद उसका स्टार्ट कोई भी इम्प्लीमेंट हो गया। पावर प्रोजेक्ट्स की बात की, 80,000 करोड़ में आज तीसरे साल में वो पैसा दिया, 19 करोड़ रुपया, क्या बनेगा इसमें? इन है गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इट ए सीरियस इशू, और इशू को एड्रेस करने के लिए चैनल्स यूज़ करने हैं, तरीक़ेकार, यू हैव टू स्ट्राइव बैलेंस बिटवीन द टू। इसमें किसी के हारने और जीतने की बात नहीं है। लेट अस टॉक टू देम। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार है और वहाँ दलितों पर आए दिन सहारनपुर के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, उधर जम्मू कश्मीर के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, उधर ये मोदी जी कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, ये क्या मायना है सर इसका? देखिए, इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री जी, इसका आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इट्स ए सेकुलर कंट्री, ठीक है। और ये मुल्क, ये जो कंट्री है, ये तब तक मुत्तहिद रहेगी जब तक ये सेकुलर है। तो आए दिन जो हालात होते हैं, चाहे वो काउ विजिलेंटस हो, चाहे वो अभी आपने उनका शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का बताया आपने, तो बैकवर्ड का बताया, तो जहाँ तक देखने का ताल्लुक है कि ये मुल्क किस सिमत में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये कोई बता नहीं सकता है। और वी आर वरीड अबाउट इट कि कल को क्या होगा इस मुल्क का अगर ऐसे ही हालात चले गए। द वे इट इज़ गोइंग ऑन, इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर आवर कंट्री। धन्यवाद सर।